किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या अन्य परीक्षाओं में नॉलेज का अपना महत्व होता है। नॉलेज एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है, आपका ज्ञान है, जिसके आधार पर आप विभिन्न क्वेश्चंस को डील करते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो, चाहे वो मेंस के क्वेश्चन हो, या चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन। पॉजिटिव और नेगेटिव मार्किंग की जो पद्धतियां हैं, सिस्टम हैं, उनमें भी नॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैं कहूं कि नॉलेज इज अ रॉ मटेरियल, अर्थात नॉलेज या इंफॉर्मेशन जो आपके पास होती है या आपके पास जो ज्ञान होता है, उसी के सहारे आप जो है क्वेश्चन में पूछे गए विषय को डील करते हैं। अब आप ऐसे सोच के देखिएगा कि यदि जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यदि उसके बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, तो आप उस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखेंगे? संभव ही नहीं है, क्योंकि आप उससे परिचित नहीं हैं, आप उससे इंट्रोड्यूस नहीं हैं। जैसे एमपीपीएससी मेंस 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, बालाथल संस्कृति क्या है? इसी प्रकार से प्रीलिम्स 2021 में पूछा गया था, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? ये प्रश्न शायद ही किसी से बने हो। क्यों? क्योंकि इनके बारे में कभी हमने सुना ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस का पेपर देख रहा था, उसमें पहला ही प्रश्न ऐसा था जिसको पढ़कर के वह बोला, इसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। तो सर, हम ऐसे प्रश्नों के लिए क्या करें? तो आपको मैं यहां ये कहना चाहता हूं कि स्टेज वन, जो तैयारी का पहला चरण होता है या पहला स्टेप होता है या पहली सीढ़ी होती है, वो नॉलेज होती है। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, तो आपका एक प्रकार से उसमें जो स्कोरिंग है आपकी, या आप उसमें जो स्कोर कर सकते हैं, कर सकते थे, वो जीरो हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि एक प्रकार से ये नॉकआउट मुकाबला होता है। नॉकआउट मुकाबले से तो आप परिचित होंगे, मतलब यदि आता है तो आप दौड़ में हैं, और यदि आपको वो नहीं आता है तो आप उससे बाहर हो गए सीधे, क्योंकि आप यहाँ पे लपेट भी नहीं सकते, क्योंकि आपको उसका उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, नोट्स के फॉर्म में हो, बुक्स के फॉर्म में हो, या सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हो, या जिस किसी ऑडियो वीडियो फॉर्म में हो, उन सब में आपको ये तय करना होता है सबसे पहले कि जो हमारे पास कंटेंट के जो भी स्रोत हैं, स्टडी मटेरियल्स के जो भी स्रोत हैं, उसमें ये देखिए सबसे पहले कि सिलेबस के टॉपिक दिए गए हैं क्या उसमें, क्या उसमें लास्ट इयर्स में पूछे गए प्रश्नों के लगभग 60 से 70% उत्तर मिल रहे हैं। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है, तो
उसके बारे में चाहे टॉपर ने ही क्यों ना सजेस्ट किया हो आपको, वो किताब या नोट्स वो आपके किसी काम का नहीं है। अपना थोड़ा माइंड सेट बदलिए, आपको फिर से जागृत होने की जरूरत है। हमने ये देखा है कि टॉपर्स ने जो बोल दिया लोग उसका अंधानुकरण करने लगते, तो इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। अब तीसरी बात मैं आपको बताता हूं कि आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है उसमें आप ये देखिए कि उसका जो रेंज है आपके स्टडी मटेरियल का या नोट्स का, वो परीक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है कि नहीं। जैसे मान लीजिए कि आप एक समान नागरिक संहिता पढ़ रहे हैं, तो आपके पास इसको तैयार करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि आप उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बना लें, क्योंकि जो फैक्चुअल एग्जाम होती हैं जैसे एमपीपीएससी है, इसमें 3, 5 और 11 मार्कर्स का जो एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आंसर पैटर्न सूटेबल है और बहुत उपयुक्त है ये। क्यों? क्योंकि ना केवल आपके से नोट्स बन जाते हैं बल्कि आपकी पैरेलल आंसर राइटिंग भी हो जाती है, और आप परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए रेडी हो जाते हैं। यानी आपका ये जो आपका प्री प्रिपरेशन है ये आपको बहुत हेल्प करता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि यूपीएससी में आप इस तरह से करने लगें, क्योंकि वहां ये अप्रोच काम नहीं आएगी। वहां पर आपको अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाना होता है। जैसे मैंने अभी बोला एक समान नागरिक संहिता, तो एक समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या होता है, एक समान नागरिक संहिता है क्या, एक समान नागरिक संहिता का ओरिजिन या उद्भव कहाँ से होता है, भारत के संदर्भ में एक समान नागरिक संहिता का बैकग्राउंड क्या है। फिर उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर एक समान नागरिक संहिता वर्तमान में चर्चा में क्यों है, अर्थात एक यह मुद्दा क्यों बना। फिर बात आती है कि एक समान नागरिक संहिता के बारे में लोगों में दो तरह की राय है। एक पक्ष ये कहता है इसे होना चाहिए, ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है, और एक पक्ष इसका विरोध करता है। वो इसको अपने एक कल्चरल एस्पेक्ट से जोड़ के देखता है, वो सोचता है कि इससे हमारा एक जो सांस्कृतिक हमारी पहचान है उसका क्षरण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पक्ष और विपक्ष में आपको कुछ पॉइंट्स बना लेने चाहिए। अब इसके बाद आता है क्या कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्या चैलेंजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या राय रखता है अपनी, मीडिया जगत जो है वो किस प्रकार से इसके बारे में एक ओपिनियन बना रहा है, एक्सपर्ट्स जो है किस प्रकार से इसको देख रहे हैं। तो यहां पर आपको एक कलरफुल अप्रोच लेके चलना पड़ेगा, और अंत में आप जो है उसको उसका आप एक सार लिख लीजिएगा 6-7 पॉइंट में, कि इन सब का जो हमने अभी पढ़ा है उसका मतलब क्या हुआ। तो देखिए आपको ये पूरा टॉपिक आपका तैयार हो गया। अब इसमें दो बातें कि इसमें अगर आप फैक्ट्स का अच्छा समावेश कर लेते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो काफी एनरिच हो जाता है, और कंसेप्चुअली जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है या सिनॉप्सिस बनाया है या आउटलाइन बनाई है या रूपरेखा बनाई है उससे आपकी स्टडी कॉम्प्रिहेंसिव हो गई है। इस प्रकार से भी आप नोट्स बना सकते हैं। अब चौथी बात हम ये करते हैं, आपका आपका नोट्स जो है उसका साइज छोटा होना चाहिए सबसे पहले।
बहुत बड़े नोट्स नहीं होना चाहिए, लेंथीएस्ट नहीं होना चाहिए, हैवी नहीं होना चाहिए। तो आपको नोट्स हम बनाते ही इसीलिए हैं कि जो बहुत ज्यादा कंटेंट है, जैसे जैसे हम कहते हैं कि गागर में सागर, तो उसको आप एक तरह से क्या कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, उसे कंप्रेस्ड कर लीजिए आप। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा तो आप खुद सोचिए, जितना छोटा आपका नोट्स होगा, साइज जितना कम होगा, उतनी बार आप उसका अधिक से अधिक रिवीजन कर पाएंगे, रिकॉल कर पाएंगे, उसको मेमोराइज कर पाएंगे, आप उसको दिमाग में होल्ड कर पाएंगे। और आपका नोट्स जितना बड़ा होगा उतनी बार आपका रिवीजन कम होगा। तो आप समझ सकते हैं फायदा किसको होगा, जिसका रिवीजन अधिक बार होगा। यानी आपको जो भी जानकारी है वो धुंधली नहीं होनी चाहिए, ब्लर नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज ब्लर है, आपका धुंधला है, स्पष्ट नहीं है, आप कंफ्यूज रहेंगे और आप उसको जल्दी से रिकॉल नहीं कर पाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, तो आप खुद सोचिए आप लिख कैसे पाएंगे। और वहां तो आपको विद इन टाइम लिखना पड़ता है, विद इन वर्ड लिमिट लिखना पड़ता है, और वो भी कैसे, बहुत इंट्रो, बॉडी पार्ट, कॉन्क्लूजन के फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो ये आसान नहीं है। तो यहां पर हम आपको ये सलाह देंगे कि आपका कंटेंट जो हो उसको आप एक की नोट्स में बनाओ, एक कुंजी टाइप बनाइए आप उसकी, तो आपको उससे जबरदस्त लाभ होगा। अगली बात कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं वो डायनामिक होना चाहिए, मतलब उसमें आप कुछ एड ऑन कर सकें टाइम टू टाइम। इसलिए आप अपने कंटेंट में, नोट्स में एड ऑन के लिए, उसमें कुछ जोड़ने के लिए आप स्पेस छोड़िएगा। ऐसा आपको कुछ यूनिट में करना पड़ेगा, कुछ टॉपिक में करना पड़ेगा, कुछ सब टॉपिक में करना पड़ेगा, और जो स्टैटिक सब्जेक्ट हैं उसमें आपको इस सब की करने की जरूरत नहीं है। जैसे हिस्ट्री में आपको कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, खास तौर से टेक्नोलॉजी वाला पार्ट है, इकोनॉमी है, उसमें आपको करना पड़ेगा। तो आप अपने नोट्स को डायनामिक बनाइए, उसमें स्पेस छोड़िए, और स्पेस में जब कोई डेवलपमेंट हो, कोई चीज उसमें जुड़े, तो आप उसको वहां पे जोड़ लीजिएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप एक ही सब्जेक्ट का, एक ही यूनिट का, एक ही सेक्शन के आपके पास जो नोट्स होगा वो एक जगह आ जाएगा सर। और जब तक आप उसको एक जगह नहीं लाएंगे, आप 10 जगह से पढ़ रहे हो, तो आप खुद ही आप दे सोच के देखिए आप कैसे उसको पढ़ सकते हैं। इसलिए नोट्स को हमेशा एक रजिस्टर में, कोई स्पाइरल भी आप बना सकते हैं, उसमें आप अपने तरीके से, अपनी समझ के आधार पर लिख लें, कि क्योंकि आज समझना आप ही को है, रिवीजन आप ही को करना है। तो जैसा भी आपका तरीका है उस तरीके से आप नोट्स बनाए, नकल मत कीजिए बंदरों की तरह, है ना। जैसा कि आपने देखा होगा क्राउड का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, इसलिए क्राउड क्राउड ही रहता है। अब छठी बात आप ध्यान से सुनिएगा कि हम मान लेते हैं प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, यहां तक कि अगर आपको उसमें से 20-30% आपको प्रश्न नहीं आते हैं, आप उन प्रश्नों से परिचित ही नहीं हैं, आपने कभी उनके बारे में सुना ही नहीं है, तो आप ये मान लीजिएगा कि आप रेस से बाहर हो गए। एक उदाहरण से समझिए कि एमपीपीएससी 1400 अंकों की मेंस एग्जाम है, और किसी भी अभ्यर्थी से 200 नंबर का छूट जाता है सभी 6 पेपर्स में,
तो मान लेते हैं कि वो बहुत शार्प है पढ़ने में, उसका बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, तो हम उसको 60% अंक दे देते हैं। कितने में? 1200, क्योंकि 200 तो छूट ही गया है, तो भी उसको 720 अंक आएंगे। तो 720 अंक में अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाला कैंडिडेट तो इंटरव्यू में भी क्वालिफाई नहीं होगा, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो हाई रैंक पर नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपका कंटेंट आपकी रैंक बनाने में, आपको मेरिट सूची में लाने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से प्रीलिम्स में ये चीज, समय की मर्यादा है थोड़ी, इसलिए मैं बहुत विश्लेषण या डिटेलिंग के पक्ष में नहीं, डिटेलिंग नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सीधे सीधे पॉइंट वाइज मैनर में बात बता रहा हूं। अब आगे सोचू, सातवीं बात समझ कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में जिन भी टॉपिक का, सब टॉपिक का, विषय के उपखंडों का उल्लेख है, उन सब का नोट्स तो होना ही चाहिए, उन सब का आपके पास रिटेन कंटेंट तो होना ही चाहिए। साथ में उसका जो स्कोप है, स्कोप मतलब कि जैसे आप मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, तो मूल अधिकार के स्कोप में संभावित जितने भी उसके सब टॉपिक्स बन सकते हैं वो सभी आपको लिखे हुए होंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व तो एक दूसरे के पूरक हैं, या दोनों में क्या अंतर है, या अनुच्छेद 21 का महत्व क्या है, या तमाम जो आर्टिकल हैं, अनुच्छेद 14 है विधि की समक्ष समता का, तो इनसे, इन सभी अनुच्छेदों पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं, या इनके कुछ जो सेट या ग्रुप हैं उन पर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे धार्मिक स्वतंत्रता है, उसमें जितने आर्टिकल आते हैं उसके आधार पर भी बन सकते हैं, उसको धर्मनिरपेक्षता से जोड़कर भी देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, आप थोड़ा सा क्रिटिकल स्टडी करिए, फ्लैट स्टडी मत करिए। अपने दिमाग में तमाम तरह के प्रश्न लाइए, तब आपको अपने बनाए गए कंटेंट का आपको फायदा मिलेगा। अब आठवीं बात सुनिए ध्यान से। जो भी अभ्यर्थी किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं, वो अपने आप को लिमिट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं एक एमपीपीएससी का एस्पिरेंट हूं, कैंडिडेट हूं, प्रत्याशी हूं, उम्मीदवार हूं। अब मैंने क्या किया, मैं एमपीपीएससी के सिलेबस और एमपीपीएससी के जो लास्ट इयर्स के प्रश्न हैं उन्हीं को मैं बार बार देखता हूं, उन्हीं के हिसाब से मैं तैयारी करता हूं। तो आपने खुद को लिमिट कर लिया। इसका मतलब ये है कि एमपीपीएससी से जो मिलती जुलती एग्जाम है, जैसे आरएएस है या यूपीपीसीएस है, तो मूल अधिकार वहां भी है, वहां क्या पूछ रहा है। कभी कभी तो ये भी होता है एमपीपीएससी वाले सीधा वहां से कॉपी कर लेते हैं प्रश्न। तो आपको अपना दायरा थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये अगर आप बात समझते हैं तो आपको इससे लाभ होगा, मुझे तो लाभ नहीं होगा, जो क्योंकि मैं तो उम्मीदवार नहीं हूं, उम्मीदवार तो आप हो। अब नौवां पॉइंट सुनिए ध्यान से। आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है